हिसाब से कहूँगा कि अपना न्यायालय के रूप कोर्ट की कार्रवाई आरोप करने की अनुमति है और आप आसन ग्रहण करें, हम अपने कैंडिडेट को वहाँ भेजेंगे। प्रकरण की कार्रवाई आरंभ की जाए। आप इसमें आ रहे हो कि शादी को वर्ल्ड पोस्ट नहीं, इस इलेक्शन में इन्होंने नीचे वर्ल्ड घोषित करवानी है। अच्छा, ठीक है। इसके संबंध के अंदर अभी इनको साथ के साथ इन्होंने एक कंप्लेन डाली थी जिसके अंदर 376 पॉक्सो एक्ट के अंदर इन्होंने जिसके अंदर से नीचे के जो कोर्टर्स ने हमें बरी कर दी है और ये अभी इसके अंदर अगेंस्ट टेक्निकल हमारे अपील के अंदर आए हुए हैं हमारे को और कोर्ट से तरफ से एक्टिकल भी आप उसके अगेंस्ट में आए हो आए हैं और आप मैं अपने उस कोर्ट को सस्पेंड करवाने के लिए अच्छा नहीं बरी कर दिया आपको तो बरी करोगे आप तो ये एक्विटर के विरुद्ध में एक्विटर क्यों किया उसके विरुद्ध में आए हैं जी आप वर्ल्ड शादी वर्ल्ड उसके विरुद्ध में आए हो जी शादी वर्ल्ड की जाए नीचे वाले जो पारिवारिक फैमिली कोर्ट है शादी को क्या माना है उसमें वर्ल्ड माना है वर्ल्ड तो मेंटेनेंस में मेंटेनेंस के लिए अधिकारी नहीं माना अच्छा अच्छा और ये एक्चुअल में अभी जो अपील है ये अपील इनकी तरफ से दायर की गई है मैं इसमें रिस्पोंडेंट से पहले बोलने का अधिकार तो जी बात मेरे से शादी इन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर पॉक्सो का मामला बनाया और
उसके साथ साथ जो रेप का अटेम्प्ट था उसका मामला बढ़ाया, जिसके अंदर मैं एक्विटल हो चुका। ठीक है, इन्होंने मेरे को झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश की। इनका मेन मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरे को मैक्सिमम हरास किया जाए, और अब मैं जब सारी चीजों में बरी हो चुका हूँ तो अभी अपील लेके आ गए। इनके पास मेरिट के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, डिवॉइड ऑफ मेरिट है। मेरी जब रेप की पूरी प्रोसीडिंग हो रही थी उसके अंदर सीरोलॉजी रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई, ठीक है, FSL की रिपोर्ट थी वो इनकी नेगेटिव थी, रेप ये कहीं पे भी प्रूव नहीं कर पाए, और अभी उसी रेप का बहाना बना के दोबारा से इसके अंदर आ रहे हैं। इनका जस्टिफाई कैसे है, जब आपने नलिटी मांगी थी मैरिज की, वो आपको मिल गई, तो उसके बाद अब मेरे ऊपर किस तरह से फाउंडेशन है? मेरे ऊपर तो किसी तरह से फाउंडेशन नहीं है। आप पहले श्रीमान जी की जो दलील है उनको पेश करके आपको अलग से मौका दिया जाएगा, उन द्वारा को भी मैं इसके लिए क्या है जजमेंट है जो लोअर कोर्ट का वो आपको हो जाए, कंक्लूड हो जाए तो सब बेटर। चलो आपको 10 नवंबर की निर्णय में लगाएंगे, ठीक है। इस संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय
ने जो फैसला दिया था उसे बरकरार रखते हुए उस फैसले को पुष्ट किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय को, और इस न्यायालय से एक जुड़ने की प्रतिनिधि अविलंब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जाती है। तो माँ बाप की संतान भी होता है, तो मेरे निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट है तो वो भी अपील कर सकता है। तो मैं मेरे मत में ये समझता हूँ कि एडवोकेट पवित्र सिंह ने तो पहली की है, उनकी तो दलील रही है वो एक नंबर की रही है, और दो नंबर के लिए मैं जो तीनों से सजगता रहे हैं उनको तीनों को संयुक्त रूप से दो नंबर घोषित करता हूँ। रूपेंद्र जी आज सुबह मुझे मालूम हुआ कि रूपेंद्र जी और मैंने एक ही शहर से बीकानेर से नो किया है, इन्होंने 2002 में किया, मैंने 2003 में किया, तो ये मेरे बॉस हो गए सीनियर बॉस एवं वाइस चांसलर पाठक जी एवं ला से जुड़े सभी प्रोफेसर गण एवं ला के सभी स्टूडेंट्स, आप सभी की ये जिज्ञासा होती है कि हमने एलएलबी कंप्लीट कर ली, हम न्यायालय में पैरवी करेंगे। देखो मैं आपको एक बार थोड़ी शांत, आपका ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, प्रोफेशनल है पेशा है, बड़ा ही प्रतिष्ठा का पेशा है, आपने इसे अपनाया, बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर कोई वकालत में जाना चाहे तो उसकी सबसे बढ़िया धीरे और भैंस होनी चाहिए। कहते हैं यहां कोई लोकल का हो हमारे एरिया का, क्या बोलनी है का तो बेरिया ही बिक जा, और न बोलनी है क्या कौन भी कह सो नुई बन भी कह, समझ गया, क्या तो बोलना को नहीं वो बेरिया ही बेचते वो, और घूमसूम बैठना को नहीं वो सोनू ही उल्टो पिछड़ी भाग गया जाओ। यानी कहते ना कि असली दुकानदार वो ही है जो गंजे को कंगा बेच दे, कदे भाई कंगा बहुत जानदार है, इसे 5 दिन में बाढ़ आ जाएंगे, एक नंबर का ले लो भाई ले लो, कुछ नहीं जाएगा, 5 रुपए की बात है, 5 रुपए की बात है। तो इस पेशे में पैरवी हेतु वाक पटुता आवाज में दम होना चाहिए, अगला बोले ना तो ये पता चले कि न्यायालय में बोलने वाले की हाइट 6 फुट की है, ये नहीं मेरे देश की हकीकत में न्यायालय की कार्रवाई कुछ अलग ही चलती है। अगर बीच कोई भी मुझसे कोई अपना जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई है तो। अब मैं आपसे कहूं कि ला में अगर ला पास करके कोई आरजेएस में जाना चाहता है, कोई दूसरे स्टेट का है, अदर स्टेट का, एचएस का, यूपीएस का, तो ये न्यायिक सेवा के लिए बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है। और देखो अधिवक्ता गण हैं, उनका इस देश की आजादी से लेके आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोर्ट की एक्चुअल तिथि तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उस समय लागू हुआ, उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और उस वक्त ये लागू किया गया था, महारानी एलिजाबेथ के टाइम से लागू। इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक है कि जिस दिन ये लागू किया गया
उस दिन ब्रिटिश में कोई शासक है, उसकी मृत्यु हुई थी और उसकी सोच स्वरूप है ना, उसी दिन से ये है, ये काला कोट है ना, ये लाल लॉयर एडवोकेट में कोई दिक्कत नहीं है, लॉयर का मतलब जूठा है ना, कोई अंतर नहीं है, लॉयर बैरिस्टर एडवोकेट अभी बात कहा एक बात रजिस्ट्रेशन के बाद सही कह रहा है, जिसके पास लॉ की डिग्री है वो तो वो प्रैक्टिस में जो है वो एडवोकेट होगा। ये देखो वही अंतर है जैसे गुरुजी में और गुरुजी में और अपराधी है, कैदी का और अपराधी का, कैदी वो हो जाता है जिसे फाइनल सजा हो जाती है, अपराधी वो होता है और दो ट्रायल में होता है, अभियुक्त वो हो गया ना जो मुलजिम जो है जो जिस पर ट्रायल नहीं है ना वो अभियुक्त है, और जिसको सजा हो गई वो कैदी हो गया, अपराधी अंडर ट्रायल है ना वो कैदी वो अपराधी है, तो वो ही आप वाला ये अंतर है। कंपटीशन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एडवोकेट राम निवास गुर्जर जी, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर भूपेंद्र उदावर, फैकल्टी मेंबर, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड अदर स्टाफ, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी ने बहुत धीरज के साथ इस केस को सुना समझा और इससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स है उस पर सवाल भी किए, इसे पता चलता है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से आप यहाँ उपस्थित थे, ये एक उत्साह की बात है, क्योंकि जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि ने कहा कि किसी भी समाज को चलाने के लिए विधि विशेषज्ञ की बहुत जरूरत है, आज के जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें लोकतांत्रिक जो मूल्यों को निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं उसमें ज्यादातर विधि विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम ये मान के चले कि केवल लॉयर या एडवोकेट की जिम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जाने, तो हम गलत फहमी में हैं। हर व्यक्ति को अपने संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए, अपने देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को जानने की जरूरत होती है। जैसा अभी सवाल पीछे से आया लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर है, जहां तक मेरा ज्ञान है लॉयर वो होता है जो अपने जो कानूनी सलाह देता है और जो जनहित याचिकाओं को कैरी करता है, एडवोकेट होता है जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है और क्लाइंट के बेस पे कोर्ट फाइल करता है और आपको उसके लिए जीरा करता है, जो एक सूक्ष्म अंतर रखेगा और उसको जो प्रैक्टिस में सबको एक ही चीजों में एक ही व्यक्ति को दोनों टर्मिनोलॉजी में यूज किया गया, ये आम भाषा में यूज किया गया, लेकिन इसका टेक्निकल डिफरेंस है। जहां तक ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट का जो ड्रेस था, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, लॉजिक से भी जोड़ के देखा जाता है कि वकील जो होगा और जो अदालत होगी वो फैक्ट्स पे बात करेगी, किसी और कलर पे बात नहीं करेगी, वो ट्रू और फॉल्स के बारे में डिस्कस करेगी, ये जजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये कैरी होता आया। 2001 में मैं आया था राजगढ़, उसके बाद मेरा आना हुआ नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। प्रैक्टिस लॉ करने के बाद में मैंने भी करी 2-3 साल, मेरे फादर एडवोकेट हैं, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस भी करी, पर कोई वजह से मुझे रास नहीं आई और मैंने अपना क्षेत्र बदल दिया, लेकिन बचपन से लॉ से मेरा रिलेशन रहा है। तो लॉ एक ऐसी चीज है जो जिसका नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए, वो सिर्फ अपने राइट्स के लिए, हर दिन उसके साथ कुछ न कुछ घटना या कोई ऐसी चीज होती रहती है जिससे इंसान को अगर लॉ का नॉलेज होता है, लॉ की डिग्री करना एक अलग मैटर है, लेकिन लॉ का नॉलेज होना मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान में होना जरूरी है। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे जो एडवोकेट होते हैं, लॉ का नॉलेज होना मैंने आपको बता दिया कि एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, हम लॉयर हैं, वो एक अलग चीज़ है। लॉ जो होता एडवोकेट जो होता, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि एडवोकेट और वकील में क्या डिफरेंस होता है, किसी को इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे आपने बैरिस्टर का नाम सुना होगा, तो जब ब्रिटिश टाइम था और जो लोग इंग्लैंड से डिग्री करके आते थे लॉ में, तो उनको हम बैरिस्टर कहते थे, और उसके बाद में वकील शब्द जो कॉमन पड़ा था, तो जो बैरिस्टर्स के मुंशी होते थे वो एक निश्चित समय के तक बैरिस्टर्स के अंदर में रहते थे, तो उनको भी प्रैक्टिस करने की बिना डिग्री की अनुमति दे दी थी, जाती थी, तो उनसे ये वकील शब्द आया। तो ये
तो जो एडवोकेट होता है, जो हमारा जो क्लाइंट को अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करता है, तो उस एडवोकेट के अंदर काफी चीजें होनी चाहिए। आपने डिग्री ले ली है पर्याप्त नहीं है, आपके अंदर अपने आप को प्रेजेंट करने की, जैसे मैं आज कहूंगा कि जो मिस्टर पवित्र सिंह है जो अपनी लॉ के स्टूडेंट है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। उसमें कई चीजें ऐसी होती है कि हमें लॉ का ज्ञान तो है ही है, लेकिन हम प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, जो सामने वाले की वकील की प्रैक्टिकल, जैसे राम निवास जी अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उनको अच्छे तरीके से पता है किस टाइप से बोलना चाहिए, किस टाइप से सामने वाले वकील को हावी नहीं होने देना।